नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और नई वीडियो के साथ एक नई जगह पे आए हैं। अगर आपने मेरी 4 महीने पुरानी वीडियो देखी हुई जो पुरानी थी, उससे आप ज़रूर समझ जाएंगे कि हम आ चुके हैं आकुशपुर रेलवे स्टेशन में, जैसे हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में आकुशपुर बोलते हैं, और जो कि परफेक्टली प्रोनाउंस होता है अंकुशपुर। वो असल में परफेक्टली जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी अंकुशपुर है, वहाँ पे हैं। और ये जो नया प्लेटफॉर्म है, मैं उधर खड़ा हूँ जिसका निर्माण हो रहा था उस समय। मेरी पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, तो उस समय क्या था, यहाँ मिट्टियाँ डाली गई, छोड़ दी गई थी। और एट प्रेजेंट यहाँ बहुत तेज़ी से काम हुआ है, जैसे देख सकते हैं। ये जो नया प्लेटफॉर्म बना है, इसकी प्लेटफॉर्म के लिए रेलवे ट्रैक है उसे बिछाया गया है, और उसके बगल में ये एक्स्ट्रा लाइन बिछाई गई है जो पहले नहीं थी। पहले सिर्फ 2 ही लाइन हुआ करती थी, क्योंकि ये मेन लाइन थी जो कि आप बगल में देख सकते हो, और एक जो ये पुराना एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म उसकी लाइन थी। और इन दोनों लाइन को बिछा कर कनेक्ट कर दिया गया है मेन लाइन में से, और इनके इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, सरफेस वगैरह भी इनकी बना दी गई है, और ये यहाँ पे इनके लेबर्स हैं जो काम पे लगे हुए हैं। और जैसे पुराने वीडियो में आपने देखा था, जो फुट ओवर ब्रिज था इसे बनाया जा रहा था फिलहाल में, जो इसकी छत वत का काम चल रहा है। उस समय क्या बोलते हैं, इनके जो बाहर वाली स्पेस थी, पोल्स वगैरह जिस पे इसे खड़ा किया जाता है, उसे बनाया गया था। और एट प्रेजेंट में इसका काम हो चुका है, जो इसके सरफेस का है। और ऊपर में अगर आपको मैं फिर से एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, जो उसका सरफेस है, जो कि छत कह सकते हैं, रूफ़ को बना दिया गया है। और इस तरफ की जो राइट साइड की जो रैंप है, जो कि व्हील चेयर एसेसिबल है, शायद जी हाँ व्हील चेयर एसेसिबल है, क्योंकि उसके अपोजिट में सीढ़ियाँ भी हैं, स्टेयर्स हैं, तो ये व्हील चेयर एसेसिबल है। तो उसके जो स्टेयर्स कह सकते हैं, फिर एंट्री करने के लिए जो सतह बनाई गई वो बना दी गई। और इधर लेफ्ट में देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, शायद जी शायद यहाँ सीढ़ियाँ नहीं, इस तरफ भी ऐसी स्टेयर्स के बिना वाली बन रही है, रैम्प बन रही है, जो डायरेक्ट एसेसिबल होगी व्हील चेयर वालों के लिए, उसे बनाया जा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म की पुरानी बिल्डिंग है, जो कि मेन बिल्डिंग है, जिसका एंट्रेंस उस तरफ से है, क्योंकि जो मेन गांव है जिसके ये पड़ता है, उसका वो गांव इसके राइट साइड, राइट हैंड साइड पे है, इसलिए उसका एंट्रेंस वहाँ दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे इनका काम चल रहा है इसे लगाने का, जो ये पत्थर लगाए गए हैं आप देख सकते हैं एंडिंग में, उन्हें लगाने का काम यहाँ चल रहा है। और साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है। और आकुशपुर रेलवे स्टेशन पे जो फिलहाल ट्रैक्स का जो काम है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 4 महीने में बहुत काम हो जा रहा है। देख सकते हैं जगह जगह पे सामान रखे गए, और यहाँ पे काम लगा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स भी हैं। आगे चल के एक बार फुट ओवर ब्रिज को सामने से दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक रेल वायर की जो छोटी सी कैंटीन कह सकते हैं, फिर बूथ है उसका, जैसे बंद है फिलहाल में। और यहाँ पे काम चल रहा है जो मैं आपको पीछे से दिखा रहा था, ये व्हील चेयर एसेसिबल रैम बन रही है। और ये जो सरफेस है प्लेटफॉर्म की, उसे सीमेंट की जो ढलैया करते हैं, ढलाई करके बनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढा खाना गया इसे जोड़ने के लिए, और इसके ऊपर रूफ का काम चल रहा है। इसी तरह लोग यहाँ पे पूरे इस तरफ लोग ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं काम करने में। और इधर ये वाले प्लेटफॉर्म की जो सरफेस है वो रेडी हो चुकी है, तो उसके एंडिंग में जो पत्थर लगाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं मुझे ये तो एग्जैक्टली नहीं पता, इसे लगाने का काम चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ रूफ लगाने का काम ऊपर हो रहा है। और जैसा यहाँ देख सकते हैं, इसे भरने का काम किया जा रहा है गैपिंग में। और यहाँ पे जो ये ट्रैकमैन वगैरह हैं, ये गिट्टियाँ को एक बराबर कर रहे हैं उस ट्रैक की तरफ में। और जो सीढ़ियाँ हैं, जो मेन FOB है, वो बना के पूरी तरह से रेडी है बीच से उधर जाने के लिए। और पीछे की तरफ भी दिखा देता हूँ, जो इधर से आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जनरेटर चल रहा है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोग को,
थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं आपको जानकारी जो है डिटेल में दे देता हूँ जैसी आवाज़ कम होती है। तो जो पुराना प्लेटफॉर्म था उसकी जो लंबाई थी वो नए प्लेटफॉर्म से कम है। नए प्लेटफॉर्म को काफ़ी लंबा बनाया गया कि इस पर एक पूरी गुड्स ट्रेन या फिर मालगाड़ी को आराम से लाइन पे प्लेटफॉर्म की लाइन और एवं जो एक लूप लाइन बनाई गई है। तो असल में लूप लाइन नहीं है, ये भी मेन लाइन है डबलिंग वाली जो इसके बगल में बनी है। और ये लूप लाइन बनाई गई है प्लेटफॉर्म पे ट्रेनों को लेने के लिए, मालगाड़ी वगैरह को। तो इसे काफ़ी लंबा बनाया गया है पुराने वाले का, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं पुराना प्लेटफॉर्म जो है यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है पर नया प्लेटफॉर्म इससे भी और आगे तक जा रहा है। तो इसे फ्यूचर में ध्यान में रखते हुए देख के इसे लंबा बनाया गया है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाने का काम चल रहा है, वो भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ सीढ़ियाँ बनाई जा रही है और ऊपर तक, ऊपर में सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, ये बीच के एरिया में सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं और फिलहाल वर्कर्स यहाँ लगे हुए हैं। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो अंकुशपुर रेलवे स्टेशन का है उसे मेन लाइन से जोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं कनेक्शन जो ट्रैकिंग की है वो हो चुकी है आगे पर। और काफ़ी पुराने स्टेशन से थोड़ा लंबा है इस डायरेक्शन में, बाकी की इसके पीछे वाले डायरेक्शन में जो मैं दिखा सकता हूँ ज़्यादा लंबे में है। तो फिलहाल बस यही एक छोटा सा अपडेट था अंकुशपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 और नई 2 रेल लाइन के निर्माण के ऊपर। जो लोग वीडियो में अंत तक बने रहे उन सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में गाजीपुर के अपडेट के साथ। धन्यवाद।